Subscribe to our channel by clicking the subscribe button, click the bell button and get all the new videos. तो अब हम बता दें आपको कॉप सात किस्म की लर्निंग स्टाइल्स क्या है. एक फिजिकल है, नीचे येलो वाली जो है. अच्छा, फिजिकल वो बच्चा है जो चलते फिरते लर्न करेगा, वॉक करते करते किताब हाथ में वो पढ़ेगा. आप कहते हो बैठो पढ़ो, वो नहीं पढ़ सकता, उसको हिलना जुलना है. जब तक वो हिले जुलेगा नहीं, वो नहीं पढ़ सकता. अब हम तो ये बात नहीं समझते माँ बाप को, हम क्या करते हैं, हम उस बच्चे के साथ ज्यादती करते हैं, डांटते हैं, मारते हैं कि वो पढ़े इस तरह से. अब इसमें एक आता है लॉजिकल. कुछ बच्चे जो होते हैं मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस या मैथमेटिकल स्टाइल है लर्निंग की. तो उन बच्चों को जब आप कोई टास्क देते हैं, कोई काम देते हैं, तो आप उसके साथ जमा खर्च वाली बात करें. देखो बात सुनो, तुम एक घंटे के अंदर ही होमवर्क कर दो तो मैं तुम्हें एक घंटे के लिए टीवी देखने की इजाजत दूंगी. अच्छा, बात समझे मैं क्या कह रहा हूं, घंटे की बात कर रहा हूं. यानी कैलकुलेट हो सकता है, मेजर हो सकता है. अगर आप ये कहेंगे ठीक है तुम पढ़ लो, मैं तुम उसके बाद तुम टीवी देखो, गलत. ये बच्चा नहीं समझेगा. क्यों? ये मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है. इसको आपने मेजरमेंट में बताना होगा. तुम एक घंटे में काम खत्म करो, दो घंटे टीवी देख लो. अब इसका ब्रेन प्रोसेस कर सकता है, क्यों? मैथमेटिकल ब्रेन है. मेमन का अक्सर मैथमेटिकल होता है, दैट्स वाई दे आर वेरी गुड अकाउंटेंट एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अकाउंटेंट. सोशल बच्चा जो होता है, सोशल, ये बच्चे की लर्निंग स्टाइल ये है कि आप उसे तन्हाई में नहीं पढ़ा सकते. आपने देखा होगा कुछ बच्चे हैं जो अकेले पढ़ते हैं, बड़े अच्छी तरह पढ़ते हैं, सुकून शांति कोई ना हो, कमरा बंद, पढ़ाई में लगे हुए. मगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ग्रुप स्टडी में बहुत माहिर हैं. ऐसे बच्चे की लर्निंग स्टाइल सोशल होती है, सोशल होती है. तो अगर उसके साथ बड़ा भाई, बड़ी बहन या पड़ोस का कोई उसका दोस्त आके पढ़े तो कंबाइंड स्टडीज में दे कैन डू वेरी वेल. हम सिर्फ स्टडीज की बात अभी इस वक्त कर रहे हैं, आगे जाकर हम स्टडीज से आगे लेवल पे जाएंगे. ठीक है, अभी सबको फिक्र है ग्रेड्स बच्चे के अच्छे आने चाहिए. इंट्रापर्सनल सॉलिटरी, ये वो बच्चा है जो तन्हाई पसंद होता है, जो लोगों से ज्यादा मिलना पसंद नहीं करता. मैं तन्हाई पसंद हूं, मैं लोगों से मिलना पसंद नहीं करता, मगर मेरा काम ऐसा है कि मुझे लोगों से मिलना पड़ता है. तो जब मैं लोगों से मिल लेता हूं और थक जाता हूं तो फिर मैं अपने आप से भी नहीं मिलता. ठीक है, उसके बाद आता है ऑडिटरी म्यूजिकल. अच्छा, ऑडिटरी म्यूजिकल जो बच्चे होते हैं, ओरल जिसको कहते हैं ना, AURL, ओरल, आपकी राइट साइड पे जो स्क्रीन पे वायलेट रंग का कलर है, ये वो बच्चे होते हैं. आपने कभी नोटिस किया होगा, एक बच्चा छोटा सा है और वो कोई धुन हो, कोई टीवी पे गाना चल रहा हो और वो हिलना शुरू कर देता है. या बास बच्चे छोटी उम्र में गुनगुनाना, पोइट्री बहुत अच्छी बोलना शुरू कर देते. इनका ब्रेन जो है वो लर्निंग स्टाइल म्यूजिकल है. म्यूजिक में रिदम होता है, बीट होती है, राइट. तो उन बच्चों की लर्निंग स्टाइल बेस्ट ही है कि अगर उसको कोई खास सब्जेक्ट में डिफिकल्टी है, लेट्स से मैथ्स में डिफिकल्टी है, ऐसे बच्चे को 100% मैथ्स में डिफिकल्टी होगी. तो अब वो जब पढ़ रहा है तो बैकग्राउंड में इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक या कोई ऐसी आवाज, चिड़िया की चहचहाने की, पानी के झरने की आवाज, समंदर के झाग की आवाज, वो बैकग्राउंड में म्यूजिक चलाए तो क्या होगा, उसका ओरल स्टाइल है लर्निंग का, तो बच्चा अपनी स्टडीज में इंटरेस्ट भी लेगा और उसे याद भी रहेगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारे पुराने अकीदा क्या है, पढ़ते वक्त आवाज नहीं होनी चाहिए. ये वो बच्चा है जो आवाज होगी तो पढ़ेगा, आवाज नहीं होगी तो नहीं पढ़ सकता. दिस इज लर्निंग स्टाइल. अच्छा, उसके बाद आता है लिंग्विस्टिक्स, वर्बल और फिजिकल. ये जो लिंग्विस्टिक का बच्चा है ना, फिजिकल तो मैंने बता दिया, लिंग्विस्टिक का वो बच्चा है जो अल्फाज का बड़ा माहिर है. ये वो होते हैं जो अल्फाज पसंद करते हैं. ऐसे बच्चे हमेशा जब कोई लेसन पढ़ते होंगे तो उसमें अल्फाज उनको बहुत अच्छे लगे. तो जब आप चाहते हैं कि ऐसे बच्चे अपनी स्टडीज में या जिंदगी में कुछ कामयाब हो तो आपके पास अल्फाज का जखीरा होना चाहिए. जो वोकैब है आपकी, वोकैबलरी जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, उर्दू में क्या कहेंगे उसको, लुगत. लुगत थोड़ी सी अम्माएं यहां बैठी हुई है, थोड़ा खुद भी पढ़ो, कुछ लुगत में से अल्फाज सीखो ताकि जब बच्चों से गुफ्तगू करो तो आपको अल्फाज का चुनाव आपके पास हो, इस्तेमाल किया करो. तो ये सात लर्निंग स्टाइल है जी. नेक्स्ट, मुझे थोड़ा सा जगाना पड़ेगा इनको.
ये इमोशनल इंटेलिजेंस की रिसर्च पे बेस्ड है, ये मैं नहीं कह रहा, तीन मेजर यूनिवर्सिटीज ने रिसर्च की थी। हमारी एजुकेशन अनफॉर्चुनेटली इन चीजों की तरफ है ही नहीं। 7 साल से पहले बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहिए, 5 साल चलो ठीक है, जापान में 5 साल के बच्चा स्कूल जाता है मगर वो स्कूल नहीं होती, एक कमरे में बच्चे जाते और जिसको जो कर रहा है वो करे, कोई पढ़ाई नहीं होती। 7 साल के बाद पढ़ाई होती है, उस पर फिर उरुज भी आएगी तो बात करेगी कि पहले 7 साल बच्चे के क्यों इंपॉर्टेंट होते। तुम्हें टास्क दे दिया मैंने। अच्छा जी, नेक्स्ट जी भैया, अब मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूं, ये तो मैंने कह दिया चले। अब डेवलपमेंट के, बच्चों के डेवलपमेंट के 3 स्टेजेस हैं, जिस्मानी, कॉग्निटिव, सूझबूझ, अकल विसारत, और साइकोसोशल, यानी लोगों के साथ इंटरेक्शन, रिश्तेदारों के साथ बैठना, कजन्स के साथ खेलना, मोहल्ले में जाके खेलना, बड़ों का अदब करना, पता होना चाहिए किस रिश्ते का क्या मकाम है, दादा दादी, नाना नानी, खाला खालू, ये तमाम रिश्तों का उसे पता होना चाहिए। तो इसका जो साइकोसोशल एस्पेक्ट है वो भी डेवलप होता है बच्चे का जैसे जैसे वो दुनिया में आता है। आपको शायद एक बात पे हैरत होगी कि जब आपका बच्चा दुनिया में आता है तो वो सिर्फ इंसान होता है, ना मुसलमान, ना शिया, ना सुन्नी, ना बरेलवी, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ इंसान होता है। सबसे पहले आपने एक टैग उसको लगा दिया, एक लेबल लगा दिया और वो नाम। अब आप उसे नाम से पुकारते हैं तो बच्चे की शनाख्त उसका नाम हो जाता है। कान में अजान दे दी, मुसलमान बना दिया। जुम्मे के दिन जरा बड़ा हुआ, अब्बू ने उंगली पकड़ के जुम्मे की नमाज में ले गए, तो बच्चे ने सीखना शुरू किया देखकर चीजों, और इवेंचुअली वो बच्चा जिस माहौल में पैदा हुआ उस माहौल में वो कुछ बन गया। नेक्स्ट, ये जिस्मानी डेवलपमेंट की स्टेजेस है जी, ब्रेन और नर्वस सिस्टम किस तरह डेवलप होता है, मोटर एबिलिटीज होती है, चलना फिरना, किसी चीज को पकड़ना, छूना किसी को। बच्चा जब चलना सीखता है, पहले खड़े होता है फिर चलना सीखता है, फिर जब इससे भी छोटा होता है तो पकड़ता है, आप मां दूध पिला रही है तो मां का शर्ट वो पकड़ता है, ये सारा का सारा उसकी फिजिकल डेवलपमेंट में। नेक्स्ट, कॉग्निटिव, ब्रेन की डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे करना, लैंग्वेज, जबान, एक्सप्रेस कैसे करना, अपनी दर्द को कैसे एक्सप्रेस करना, अपनी तकलीफ को, अपनी खुशी को, ये तमाम की तमाम कॉग्निटिव डेवलपमेंट आती है। नेक्स्ट, फिर साइकोसोशल डेवलपमेंट, डिपेंडेंस से वो इनडिपेंडेंस की तरफ आता है। देखा है ना आपने बच्चे को, पहला बच्चा कैसा डिपेंडेंट होता है, अब 14 साल का हो गया, नहीं मैं अपनी मर्जी की शर्ट पहनूंगा, मुझे ये नहीं पहनना, अब वो आ गया इनडिपेंडेंस की तरफ, और 14-15 साल का हो गया फिर तो उसकी मनमानी, ये फोन चाहिए मुझे, ये कलर होना चाहिए, ये कपड़े पहनने, मेरे दोस्त भी ये पहनते। नेक्स्ट, ये आपको दे देंगे स्लाइड बाद में, अब जरा सीरियसली लें, ये जो आने वाले स्लाइड्स है उसको बड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, क्या चीजें आपने करनी है। मेरे कराची क्लब के मेंबर्स, बच्चे को सिखाएं कि वो समझे जो पढ़ रहा है, ना कि वो रटना सिखाएं, मेमोराइज करना नहीं सिखाएं, अंडरस्टैंडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब वो कुछ वक्त होगी जब आप थोड़ा सा टाइम देंगे, अब आपने क्या किया, आपने उसको सबक दे दिया कि भाई इसको याद कर लो, मैं आके सुन लूंगी, और आप देख लेंगे टीवी या सहेली के साथ फोन पे बात होने लगी। अब वो जो वक्त था कि जिस वक्त आप वो बच्चे को समझाएं कि ये सबक क्या है, वो वक्त आपने नहीं दिया। अमेरिका के एक स्कूल में एक हिस्ट्री का टीचर था, वो छुट्टी पे चला गया, दूसरा टीचर आया, बच्चे पढ़ने में इंटरेस्टेड ही नहीं, और बच्चों के ग्रेड्स जो है वो गिरने लगे, तो फिर स्कूल ने एक खास टीचर मंगवाया। अब वो टीचर जब क्लास में आता तो लेट्स से क्लास में वो हिस्ट्री में नेपोलियन को पढ़ा रहा है, तो वो क्या करता आपको पता है, उस दिन वो नेपोलियन का ड्रेस पहन के आता था, और बच्चे देखते रिलेट करते जो पढ़ा रहा है,
और उस रिलेट की वजह से बच्चे अंडरस्टैंड करते थे। हम बच्चों को रटना रट्टा लगाना सिखाते हैं, रट्टे लगे लगे, समझ किसी को नहीं है कि क्या पढ़ रहे हैं। तो मेहरबानी करके आज से आपने कोशिश करनी है, आपका बच्चा थोड़ा पढ़े मगर अंडरस्टैंड करे, अंडरस्टैंड करेगा अपने अल्फाज को इस्तेमाल करके किताबें भी लिख सकेगा। एक्नॉलेज नॉट क्रिटिसाइज बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो आदत है तनकीद की हमारी, ये पूरे माशरे में है, सबसे आसान है तनकीद करना पूरे माशरे में है। हम एक्नॉलेज नहीं करते, अगर बच्चा गलती करता है तो हम उस पर तनकीद करते हैं, हम बड़ों पे भी करते हैं, छोटों पे भी करते हैं। हम एक्नॉलेज नहीं करते कि नहीं इसने ये गलती की, इसकी वजह शायद ये कि उसे पता नहीं था कि कोई काम कैसे करना है। तो आप उसे अगर समझाएंगे बताएंगे तो उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम वो नहीं करेगा। आज ही मैंने एक प्रोग्राम रिकॉर्ड कराया एक्सप्रेस के लिए, और उसके अंदर वो जो पूरा एक उनका एक शो होता है, क्या नाम से होता है, भेद, भेद के नाम से आता है, इतवार को या सैटरडे आता है, उसमें मैं हर हफ्ते वो मेरे पास आते हैं। तो आज एक केस था उनके पास, और वो था एक लड़की का जिसको लो सेल्फ एस्टीम भी थी और उसको एहसास है कम तरी थी उसको, तो उसकी जिंदगी में क्या चेंजेस आए, कितनी लाइफ बर्बाद होगी एहसास है कम तरी से। तो जब आप बच्चे को बार बार तनकीद करेंगे ना तो वह एहसास है कम तरी में मुबतला हो जाएगा, अब वो आपसे छुपाएगा, अब आपसे झूठ बोलेगा। तो एक तो आपका बच्चा इस दुनिया में यूनिक है, शायद आपको ये बात पता ना हो, नहीं तो आज मैं बता रहा हूं, पहले दिन से हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी दिन तक इस धरती पर आखिरी इंसान मौजूद होगा, वो तमाम के तमाम खरबों इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ है, कोई एक दूसरा एक जैसा नहीं है, ट्विंस भी आपस में एक जैसे नहीं होते। आपके कानों का स्ट्रक्चर, फोटो खिंचवाया था ना अमेरिका के लिए, क्या कहते हैं कान साफ नजर आना चाहिए अमेरिकन वीजा के लिए, क्यों, कान की भी एक साख्त होती है, हर एक की डिफरेंट है, खरबों इंसान के कान डिफरेंट है, दांत का स्ट्रक्चर, डेंटल स्ट्रक्चर, फिंगरप्रिंट्स, थंबप्रिंट्स, आपके सोल प्रिंट, आपकी आंखों के अंदर आयरस एक चीज होती है, सब के सब डिफरेंट है। तो जब हर इंसान दुनिया में डिफरेंट है तो आप क्यों समझते हैं कि मेरा बेटा वही करे जो दूसरा बेटा कर रहा है, दूसरों के बच्चे कर रहे हैं, व्हाई, ही इज डिफरेंट, ही इज डिफरेंट। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हर बच्चा डिफरेंट होता है, उसकी लर्निंग स्टाइल डिफरेंट होगी, उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी। नेक्स्ट, नहीं नहीं पीछे वाला पीछे, थिंक एज ए चाइल्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, एक बड़ा मशहूर आदमी था, टेनिस का बहुत बड़ा खिलाड़ी था, जुनून की हद तक शौक था, खैर जी मोहब्बत होगी शादी कर ली। अब शादी के लिए उसने कहा मुझे बच्चा नहीं चाहिए, क्यों, मैं 6 घंटे रोज टेनिस की प्रैक्टिस करता हूं, सो आई डोंट वॉन्ट टू हैव अ चाइल्ड। खैर उनकी बेगम को था कि बच्चा हो, बच्चा हो गया, परेशान हो गया, अब वो बच्चे को टाइम ना दे, छोटा बच्चा था, एक माहिर नफ्सियात के पास हो गया, परेशान था, बच्चा रो रहा है घर में, ये वो, मेरे टाइम नहीं मिल रहा मुझे टेनिस की प्रैक्टिस करने का। तो माहिर नफ्सियात ने एक बात उससे कही, ये बात अपने पल्लों में बांध के रखी, माहिर नफ्सियात ने यह कहा कि आज तुम वो करो जो तुम्हारा बच्चा पसंद करता है, यानी आज वो खेल खेलो जो बच्चा खेलना चाहता है, कल ये वो खेलेगा जो तुम खेलना चाहते हो, यानी आप आज उसकी दुनिया में जाओ, कल वो आपकी दुनिया में आएगा, आज उसकी पसंद की चीजें खेलो, जब वो बड़ा होगा तो आपकी पसंद की चीजें खेलेगा, हम ये नहीं करते। और एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आज से 2 अल्फाज अपनी जिंदगी से कम कर दें, एक वाई क्यों, एक बट मगर, वाई और बट रिश्तों को बर्बाद कर देता है, खासकर बच्चों के साथ वालिदैन का रिश्ता। आपके बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, आप कहते क्यों नहीं किया, अच्छा ये है न्यूरो साइंस की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि जाहिर है हम लोग हिप्नोटिस्ट और एनएलपी के एक्सपर्ट हैं, न्यूरो साइंस के अंदर एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, जब आप किसी से कहते हो क्यों, इसका मतलब है आप उसकी इंटेग्रिटी को डाउट कर रहे हो, यानी सालमियत को डाउट कर रहे हो, उसकी नीयत को डाउट कर रहे हो। मैं आपको एक मिसाल दूं, बड़ी इंटरेस्टिंग केस आया मेरे पास कुछ साल पहले की बात है, एक साहब मेरे पास आए मिडिल क्लास फैमिली से, बेटा ओ लेवल्स में है, O2 में है, और वो परेशान थे कि डॉक्टर साहब, अच्छा उस वक्त मैं देखता था 1-to-1 बेसिस पे पेशेंट को, अभी भी देखता हूं मगर सिर्फ कंसल्टेशन के हवाले से,
कह मैं बहुत परेशान हूँ, बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, देखें मैं एक जॉब करने वाला आदमी हूँ, सारी उम्मीदें औलाद से होती कि बच्चा कुछ पढ़े, मगर ये पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेता। बेहतरीन स्कूल में जा रहा है वो, बहुत महंगी फीस है, इंटरेस्ट नहीं ले रहा पढ़ने में। मैंने कहा आप जरा बाहर जाइए बेटे के साथ, मैं अकेला बैठा। सिर्फ मैंने एक जुमला उससे एक सवाल पूछा, वॉट कैन योर फादर डू दैट वुड मेक यू स्टार्ट योर स्टडी सीरियसली? आपके वालिद आपके लिए कौन सा ऐसा काम करे कि जिसके बाद आप सीरियसली अपनी स्टडी करो? आपको पता है उसने एक ऐसा जवाब दिया जो आप सोच नहीं सकते। उसने कहा मेरे अब्बू अगर मेरे कमरे में स्प्लिट एसी लगा दे तो मैं पढ़ूंगा। स्प्लिट एसी का पढ़ने से ताल्लुक क्या था? तो पता चला कि जिस स्कूल में वो पढ़ता था सारे अमीर बच्चे थे, सबके कमरों में स्प्लिट एसी थे, ये एहसास है कमतरी में मुब्तला था। मैंने उसके वालिद को बुलाया, मैंने कहा आप स्प्लिट एसी लगा देंगे उसको? कहता मैं लगा दूंगा। वो स्प्लिट एसी लग गया, वो बच्चे ने पढ़ना शुरू कर दिया, ए वन ए टू दोनों में अच्छे मार्क्स से पास हुआ। सिर्फ इस वजह से कि इंसानी दिमाग किस चीज से किस चीज को कनेक्ट करता आपको नहीं पता। तो वाई की जगह आप पूछे बेटा क्या वजह थी आपने ये होमवर्क नहीं किया, क्या वजह थी आज आपने सब्जी नहीं खाई, तो आप उसकी इंटेग्रिटी को डाउट नहीं कर रहे, उसकी नियत को डाउट नहीं कर रहे, आप वो अमामिल के पूछ रहे हैं जिस अमामिल की वजह से बच्चे ने खाना नहीं खाया, पढ़ाई नहीं की। नेक्स्ट, दुनिया में जब बच्चा आता है कोई मेमोरी नहीं होती इसकी, आपको पता है ना, मैंने पहले ही आपसे कहा था, वो सिर्फ इंसान का बच्चा होता है, कोई याददाश्त कोई मेमोरी नहीं होती। मेमोरी आप देते हैं उसे, तो या तो आप अपने बच्चे को जीनियस बनाए या इडियट बनाए, आप उसे क्या कहते हैं तुम तो किसी काम के नहीं हो। एक बच्ची हमारे पास आई कई साल पहले की बात है, वालिद कितनी सफेद दाढ़ी शरीफ आदमी, बच्ची हाथ से निकल गई थी, बहुत सारी चीजें नहीं बता सकता। वालिद को इतना पता था कि बच्ची कुछ करती है मगर यह नहीं पता था कि क्या कहां तक कर चुकी है। उसकी बहन इतनी खूबसूरत कि मैं आपको बता नहीं सकता, हाइट खूबसूरत, नाक आंखें ये बिल्कुल अपोजिट। तो इसकी नानी और दादी कहती पता नहीं किस कैसे पैदा हुई है, किसका बच्चा है ये, रंग दबा हुआ का छोटा बटका सा और कोई खास फीचर्स नहीं। तो अब जब घर वाले फैमिली वाले रिश्तेदार खाला खालू सब हर एक कंपेयर करता है, उसको तो देखो इसको नहीं पता नहीं कहां से आ गई। अब ये बच्ची एहसास कमतरी में सारी जिंदगी रही, जब बड़ी हुई 16-17 साल की तो अब उसे चाहिए थी एक्नॉलेजमेंट, कोई ऐसा जो उसे कबूल करे, जो कहे कि तुम बहुत अच्छी हो। लड़कों ने उसको इस्तेमाल किया, 4 प्रेगनेंसीज उसकी उसने ड्रॉप करवाई, 4 प्रेगनेंसी, मां बाप को नहीं पता था। हमने उस लड़की पे काम किया, उसको रास्ते पे डाला, जहन डाला, इन रास्तों से हटाया, सिर्फ इस वजह से कि वो चाहती थी कि कोई उसे एक्सेप्ट करे, कबूल करे जैसी है। आपका बच्चा अगर नहीं सही पढ़ रहा, आपका बच्चा स्पोर्ट्स में कामयाब नहीं है, दूसरों के बच्चे ग्रेड्स अच्छे लाते हैं, प्लीज कंपेयर ना करें, उसे ना कहे कि दूसरा इतना अच्छा है तुम क्यों अच्छे नहीं हो, आपको क्या पता। एक स्कूल के अंदर एग्जाम हो रहा था लंदन में, एक नया प्रिंसिपल आया, उसने खत लिखा और वो खत तमाम बच्चों के मां बाप को पहुंचाया। खत बहुत लंबा था, चंद चीजें उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग थी, आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगी। उसमें लिखा था कि डियर पेरेंट्स, हम जानते हैं कि आपके बच्चों के इम्तिहान होने वाले हैं और आप सब बहुत टेंशन में हैं, और हर माँ बाप की कोशिश होती है कि मेरा बेटा फर्स्ट आए, सेकंड आए, थर्ड आए, कामयाब हो। अलबत्ता एक चीज अपने जहन में रखिए कि आपके बच्चे जब इम्तिहान में बैठेंगे और मुख्तलिफ पेपर्स हैं, मैथ्स है, हिस्ट्री है, साइंस है, ज्योग्राफी है, हो सकता है हिस्ट्री के पेपर के अंदर एक बच्चा ऐसा हो जिसको म्यूजिक का शौक हो, मैथ्स के पेपर में एक बच्चा ऐसा हो जो हसीन नजारों को देखकर उसे कैनवस पे उतारने की कोशिश कर रहा हो, वो मैथ्स कैसे करेगा? और जिस बच्चे को म्यूजिक की आदत है वो हिस्ट्री का पेपर अच्छा कैसे करेगा? तो आप इस चीज को भूल जाओ कि आपके बच्चे अच्छे मार्क्स लाते हैं कि नहीं,
आप ये देखो कि आपका बच्चा किस चीज में, किस हुनर में बहुत अच्छा और आला है। और ये फैक्ट है, बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो काश वो डॉक्टर ना बनते तो शायद जिंदगी में ज्यादा सुकून होता। बहुत सारे कंपनीज के बड़े बड़े कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव हमारे पास आते हैं जब हम वन टू वन सेशन करते हैं। बहुत टफ लाइफ है। एक दफा एक बहुत बड़ी कंपनी का CFO मुझे मिला एयरपोर्ट पे, मैं USA जा रहा था, वो अपनी बीवी बच्चों के साथ था। मैंने कहा बड़े दिन बाद, हमने उनको उस कंपनी को बड़े वर्कशॉप कराए, क्या हाल चाल है? कहता बस वेकेशन पे जा रहा हूं। मैंने कहा चलो इंजॉय करो। कहता है मैं एक ही बेटी हूं उनकी सिर्फ, सुबह जब मैं निकलता हूं तो मैं अपनी बेटी मेरी जा चुकी होती है, रात को मैं लेट आता हूं मेरी बेटी सो चुकी होती है, संडे को मैं इतना थका होता हूं कि मैं कमरे में लेटा रहता हूं। तो साल में एक दफा एक महीने के लिए बीवी और बेटी को लेकर बाहर जाता हूं ताकि एक महीना अपनी बेटी का चेहरा तो देख सकूं। ऐसे जॉब का क्या फायदा है कि जब आप अपनी बेटी का चेहरा ना देख सकते। कई घरों की ये कहानियां हैं। तो जिंदगी में तरजीहात बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, क्या चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब हम मां बाप बन जाते हैं तो हमारी तरजीहात हमारी औलाद है। एक आपने उनको डांटना है, डांट अलग चीज है, इज्जत नफ्स मजरू ना करे बच्चों की। गलती करेगा बच्चा, नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे? आप गलती करके सीखेंगे नहीं सीखेंगे, है ना? तो जीनियस और इडियट में फर्क यह कि आपके अल्फाज आपके बच्चे को या तो जीनियस बनाएंगे या उसे इडियट बनाएंगे। तो क्या अल्फाज इस्तेमाल करने हैं आपने? हम अपने माहौल में बहुत सारे ऐसे अल्फाज सुनते हैं जो कि मां बाप को नहीं बोलने चाहिए, पियर्स को, दादा दादी, नाना नानी, खाला खालू को नहीं बोलना चाहिए। कौन समझाए उनको? कम से कम आज जो आप लोग आए हैं यहां से कुछ समझ के जाए, ताकि आप अपने घरों में तो इसको इम्प्लीमेंट करें ना, कि आपके बच्चों को आप इतना बड़ा सहारा हो आपका कि बच्चे को जब कोई प्रॉब्लम हो वो अपने किसी दोस्त को ना ढूंढे, आपको ढूंढे। आज नशे का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पाकिस्तान में भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। टेलीविजन पे मैं कई प्रोग्राम कर चुका हूं उसके ऊपर, जो क्रिस्टल मैथ और जो स्ट्रॉबेरी नशा जो स्कूलों के बाहर बिक रहा है। आपका बेटा अगर टेंस होगा, स्ट्रेस होगा, घर में उसे कोई इज्जत नहीं होगी, सुकून नहीं होगा, ना मां वक्त देती है ना बाप वक्त देता है, वो बच्चा नशे की तरफ जाएगा। और अगर एक दफा चला गया देन इट इज टू लेट, फिर बहुत मुश्किल है उसको वापस लाना।